सर्दी और जादुई मोर। दिसंबर महीने की कड़कड़ाती ठंड में सोनू नाम का 6 साल का बच्चा कपकपाते हुए आगे चल रहा था और फिर वह जंगल में पहुंच जाता है और रोते हुए कहता है, माँ दादी मैं कहाँ आ गया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे माँ की याद आ रही है, यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, लगता है मैं किसी जंगल में हूँ। एक तरफ सोनू जंगल में खो गया था, वहीं दूसरी ओर उसकी माँ वैशाली और दादी कांता उसे जंगल में ढूंढ रही थी। दरअसल वह इसी के साथ यहाँ आया था क्योंकि वैशाली का परिवार बहुत ही गरीब था, जिस पर खाने के लिए भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक रहने के लिए झोपड़पट्टी थी जहाँ ठंड रुकती ही नहीं थी। कुछ खाने का ढूंढने के लिए वह लोग जंगल की ओर आए थे कि वैशाली से सोनू का हाथ छूट जाता है और वह जंगल में खो जाता है, जिससे उसकी दादी और माँ बहुत परेशान हो रही थी। सोनू मेरा बेटा, सोनू मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ गया तू? माँ जी मुझे बहुत फिक्र हो रही है, एक तो इतनी कड़कड़ाती ठंड है, उसने कोई स्वेटर भी नहीं पहना है माँ, और भूखा भी है, जंगली जानवर भी हैं यहाँ। माँ जी फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा, वो यही होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ माँ जी ऐसा ही हो बस। ऐसा बोलकर परेशान होकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं। वहीं सोनू रोता हुआ जंगल में आगे की ओर बढ़ता है, जहां वह लुढ़क जाता है और देखता है कि एक मोर का प्यारा सा बच्चा घायल पड़ा है, उसके पाँव से खून निकल रहा था। तो वह बच्चा बोलता है, अले ये तो पीपोल पीकॉक है, पर ये तो बहुत छोटा सा है और रो रहा है, इसके पैर में चोट लग गई है, दर्द हो रहा होगा, मैं फूंक मार देता हूँ। ऐसा बोलते ही मासूम बच्चा मोर के पैर पर फूंक मारता है और उसे गले लगाकर कहता है, मोर मोर मैं अपनी दादी और मम्मी से दूर आ गया हूँ, मुझे मेरे घर जाना है, कैसे जाऊं? सोनू मोर को गले लगाकर बड़बड़ा रहा था। वहीं इतने में वैशाली और कांता आ जाते हैं। अरे वैशाली देख, हमारे सोनू, वो रहा। हाँ माँ जी मेरा बच्चा मिल गया मुझे। तभी दोनों उसके पास जाकर बोलते हैं, बेटा तूने इस मोर के बच्चे को गले क्यों लगा रखा है? दादी दादी इसके पैर पे से खून निकल रहा था, इसीलिए मैं फूंक मारकर इससे बातें कर रहा था ताकि इसको दर्द महसूस ना हो। चल बेटा बहुत देर हो गई है, इस जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला, घर वापस चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। ठीक है माँ, पर इस मोर को भी हम घर ले जाएंगे, इसे भी ठंड लगेगी ना, और चोट भी तो लगी है। ठीक है बेटा। इस तरह सास बहू उस जादुई मोर को अपने बच्चे के साथ घर ले आते हैं और सोनू के कहने पर वो उस मोर की मरहम पट्टी करके देखभाल करते हैं। कुछ देर बाद वह मोर होश में आता है और कहता है, आश्चर्य होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जादुई मोर हूँ, आपके बेटे ने मेरी मदद की है और आपने मेरी देखभाल कर ख्याल रखा, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी परेशानियों को दूर कर दूं। इसीलिए मैं आपको ढेर सारा राशन, अनाज, सर्दी से बचने के लिए कपड़े, रजाई और कुछ
रंगीन खत्म हो जाए। सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको कैसे पता हमारे घर में तंगी चल रही है? बेहोशी के वक्त आपकी कुछ कुछ बातें सुन पा रहा था, इसीलिए मैंने ये सब किया। जादुई मोर के इतना कहते ही उनके घर में सारी जादू की चीजें रोशनी में आ जाती हैं। यह देखकर सास बहू और बच्चा बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सोनू से कहता है, सोनू तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझे गले से लगा कर रखा, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। आप सब अपना ध्यान रखना और मदद करने की जरूरत हो तो जंगल में आकर पुकार लेना। हाँ बेटा। इस तरह वे जादुई मोर और गरीब सास बहू की सर्दी से परेशानियां खत्म करके चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।